है गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि मैं जो क्रॉप टूल है उसका और जो स्लाइस टूल है वो एक साथ है, इंक्लूड है। बट वो मैं इसे अलग अलग वीडियो बता देता हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग दोनों फंक्शन है। क्रॉप टूल का अलग फंक्शन है और स्लाइस के टूल का अलग फंक्शन है। तो इस टूल में क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा आपको स्लाइस टूल के बारे में। स्लाइस टूल में है और ये इसे सिलेक्शन टूल है, स्लाइस टूल का सिलेक्शन टूल। तो इससे आप जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं हम वेब डिज़ाइनिंग में, वेबसाइट जो डिज़ाइनिंग होती है ना उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। बट इसमें आपको क्या ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली जैसे मैं एक वेब डिज़ाइनर तो हूँ नहीं, तो मुझे पता है नहीं कैसे इसे यूज़ करते हैं वेब में। जैसे मैं इसे यूज़ करता हूँ फोटोशॉप के थ्रू, तो बता देता हूँ आपको। तो ये आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे जो भी है इसको पहले नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल मैं इसे यूज़ करते इसे और अब इसे राइट क्लिक किया, उसके बाद ये डिवाइड स्लाइस करने के बाद यहाँ पर आपको जो कॉलम दिख रहे हैं दो और ये तीन, हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहे दो और वर्टिकल में दिख रहे तीन। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ। मैं नॉर्मली आपको बताने के लिए सिर्फ दो या दो कर देता हूँ, दिख रहे आपको ये हो गया। अब मुझे करना है ये सेव, सेव फॉर वेब, इस पर क्लिक किया। उसके बाद इसको फॉर्मेट दे देता हूँ मैं ये, और बस सेव कर लें। मुझे यहाँ पे अपना लोकेशन डाल पड़े, मैं एक फोल्डर में आया हूँ जी, ये बता दीजिए पी फोल्डर ओपन कर दिया था, उस फोल्डर का नाम था जेपी। जेपी पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे चार अलग अलग इमेज जो अपने सेव किए थे तो एक इमेज था, लेकिन यहाँ पे चार अलग अलग इमेज बन चुके हैं। जितने भी एक कॉलम दिख रहे हैं ये एक इमेज बना है, ये दूसरा इमेज, ये तीसरा और ये चौथा। इस टाइप से अगर आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट जितने जैसे आपको ज़रूरत है उस टाइप से इसे यूज़ किया जा सकता है। और भी कई फंक्शन दिए हुए हैं फ्रेंड इसमें, देखिए चलिए ये प्रमोट टू यूजर क्या है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस टूल के बारे में खुद इतना ही जानता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं आता। लेकिन अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको इस टूल के बारे में पता होना चाहिए और आपको सिखाया जाएगा इस बारे में बेसिकली मैं कैसे यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से आपने बता दिया। आप चाहें तो अपने दिमाग लगा के इसे और भी जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा पांचवा टूल जो मैंने बता दिया है स्लाइस। छठवा जो टूल बताऊंगा वो है होगा हिलिंग ब्रश। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह ही सीखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।